हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ज़ूकीपर। तो कहानी शुरू होती है पोलैंड शहर से, जहां पर हर तरफ खुशियों का माहौल है। इसी दौरान हम एक जू को भी देखते हैं जो यूरोप का उस समय का सबसे बड़ा जू माना जाता है, जिसके ओनर थे ज़ियान और एंटोनिया। उन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है ओलिव। तीनों लोग उसी जू के अंदर बने हुए घर में रहते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ये कंप्लीट फैमिली है। एंटोनियो को जू के सारे जानवरों से बहुत ही लगाव है और वो सबको बराबर प्यार करती है। अब एक रात इनके घर में एक पार्टी होती है जिसमें जर्मन जूलॉजिस्ट हैक आता है, जो हिटलर का भी जूलॉजिस्ट था। और हैक एंटोनियो को बचपन से जानता है और कहीं ना कहीं उसे पसंद भी करता है। लेकिन एंटोनियो ने शादी होने के बाद अपना देश जर्मनी छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो गई। अब सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी ओलिव आकर बताता है कि हाथी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। और जब वह एंटोनिया पहुंचती है तो वो देखती है कि हाथी बेकाबू हो चुकी है, क्योंकि उसका जन्म दिया हुआ बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। वो फौरन जॉर्ज को बुलाती है जो उस जू की देखभाल करता है। उसके ऐसी हालत देखकर एंटोनियो बहुत ही परेशान हो चुकी थी और वो बहुत कोशिश करती है और फाइनली जिससे वो सांस लेना शुरू कर देता है। और अब वो बच्चा पूरी तरह से सही सलामत था। अब ये देखकर सारे गेस्ट बहुत ही खुश होते हैं और एंटोनियो के लिए ताली बजाते हैं। और जेन भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद उससे कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी आंट के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि खबरों में आ रहा है कि हिटलर पोलैंड पर कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन वो जाने से मना कर देती है, क्योंकि अपने जानवरों को छोड़कर वो कैसे जा सकती है। अब समय चल रहा है 1939 का। ये वही दौर है जब हिटलर ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। एंटोनियो जू के बाहर जानवरों को खाना खिला रही होती है कि तभी उसे जर्मन प्लेन उड़ते हुए देखते हैं। वो फौरन अपने घर में जाती है, पर तब तक वो बॉम्ब गिराना शुरू कर देते हैं। इस बॉम्ब की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जर्मन सोल्जर सभी जानवरों को बेदर्दी से मारे जा रहे थे। इधर एंटोनियो ओलिव को लेकर अपनी आंट के घर के लिए निकलती है, लेकिन तभी बहुत सारे जानवर परेशान और डर जाते हैं और बस इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं कि तभी एक हाथी जो एंटोनियो के पास आना चाह रहा था, सैनिकों ने समझा कि वो बेकाबू हो चुकी है, तो वो उसे उसके सामने ही हाथी को गोलियों से मार डालते हैं। अब ये देखकर उसका दिल मानो छन्नी हो जाता है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो भी मारी जाएगी, इसलिए वो फौरन भागते हुए स्टेशन जाती है। लेकिन पता चलता है कि सारी ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। इसी दौरान उन्हें वहाँ जेन भी मिल जाता है, जो दोनों को लेके वापस जू आ जाता है। लेकिन अब ये जू पहले वाला जू नहीं रहा है। एक समय पे यहाँ इतना सुकून था, पर आज उतना ही भयानक मंजर है। जेन जो जानवर मर गए थे उन्हें इकट्ठा किया जा रहा था ताकि उन्हें दफन कर सके। वहीं घर में एंटोनियो रेडियो में सुनती है कि जर्मन ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया है और अब पूरा देश पर हिटलर का राज है, जिसके बाद वहां पे जर्मन आर्मी भी आ जाती है, जिसके अंडर अब ये जू आ गया था। उनके साथ हैक भी था जो जर्मन जूलॉजिस्ट था। वो एंटोनियो से आगे मिलता है और उसे बताता है कि तुम्हारा जू अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ जानवर बचे हुए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें अपने साथ जर्मनी ले जा सकता हूँ, वरना यहाँ पे अगर ये रहे तो जू के जानवरों की तरह इन्हें भी मारकर आर्मी को दे दिया जाएगा, मीट और बाकी चीज़ों के लिए। अब ये सुनकर एंटोनियो रोने लगती है। वो फौरन उसकी बात को मान जाती है। अब उस रात वो ये बात जेन को भी बताती है, तो वो गुस्से में कहता है कि उसे आखिर हमारी परमिशन की क्या ज़रूरत है। वो हिटलर का हेड जूलॉजिस्ट है और वो कुछ भी कर सकता है। दरअसल दोस्तों, जेन को हैक कुछ खास पसंद नहीं था, क्योंकि वो हिटलर के लिए काम करता था और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब नेक्स्ट डे आकर वो उन चुने हुए जानवरों को अपने साथ लेके जाता है, लेकिन उन्हें ले जाते टाइम एंटोनियो बहुत ही उदास हो जाती है, पर जेन आके उसे संभालता है। और फिर इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। और इसी बीच एक दिन हैक और उसके कुछ गार्ड्स जू में आकर अंधाधुन फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बचे हुए जानवर भी मारे जाते हैं। जॉर्ज उनसे ऐसा करने से मना करता है, तो वो कहता है कि हाई कमांड से ऑर्डर आए, क्योंकि ये जानवर ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें मार दो। अब ये सब एंटोनियो खिड़की से देख रही थी, पर कुछ नहीं बोलती। मन ही मन वो बस रोती रहती है। देखते ही देखते एक साल बीत जाता है और हमें पता चलता है कि जर्मन्स ने ऑर्डर दिया है कि वर्सोवा शहर में रहने वाले सारे ज्यूस लोगों को गेटों में डाल दिया जाए। तो असल में दोस्तों, गेटो एक तरह का कैंप है जिसे ज्यूस लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ उन्हें जानवरों से भी बुरी हालत में रखा जाता है और सब लोग अपना सब कुछ लेके गेटो में जाने लगते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी मौत तो तय है। इसी बीच जेन से मिलने उसका एक दोस्त आता है जो कि ज्यू है। वो उसे कहता है कि मुझे भी ये लोग गेटो लेकर जा रहे हैं, पर मेरे पास एक इंसेक्ट का कलेक्शन है, क्या तुम उसे अपने साथ रख सकते हो? मेरी वो जिंदगी भर की कमाई है। तो जेन कहता है कि क्यों नहीं, बिल्कुल मैं उसको अपने पास रख सकता हूँ। अब जेन के दोस्त के बारे में जानकर एंटोनियो को बहुत ही बुरा लगता है कि कैसे वो लोग उसे कैंप में ले गए। वो जेन से कहती है कि क्यों ना हम लोग मागदा, जो कि उसकी दोस्त की वाइफ है, उसे छुपा ले, पर वो नहीं मानता, क्योंकि इसका अंजाम उसे अच्छे से पता था। लेकिन उसे बार बार कहने पे वो मान जाता है।
अब एक रात जेन आके एंटोनियो को बताता है कि मैं अभी गेटो से होके आ रहा हूँ, वहाँ पे लोग ठंड और भूख के मारे मारे जा रहे हैं। ये सुन के मागदा वहाँ से चली जाती है। तो जेन कहता है कि मेरे कुछ साथी ज्यूस को छुपा रहे हैं, मैं भी उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो एंटोनियो कहती है कि ये बहुत ही खतरनाक काम हो सकता है, लेकिन आखिर में वो मान जाती है क्योंकि दोनों दिल के बहुत ही अच्छे थे और सभी की मदद करना चाहते थे। अगले दिन वो हैक के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि हम पिग फार्मिंग करना चाहते हैं। तो वो हंसने लगता है और पूछता है कि तुम उन्हें खिलाओगे क्या। तो जेन बोलता है कि मैं गेटो से जो भी वेस्ट मटेरियल बचेगा उसे लेकर उन्हें दे दूंगा, इससे तुम्हारी आर्मी को भी फायदा होगा, उन्हें टाइम टू टाइम मीट मिलता रहेगा। अब ये बात सुनकर हैक मान जाता और कैंप के अंदर जाने का पास उन्हें दे देता है। अब अगले दिन वो लोग कुछ पिक्स को लेकर जू पहुंचते हैं और कुछ इस तरह से जेन का प्लान पहला स्टेप में कामयाब रहता है। इसके बाद वो अगले दिन पहली बार गेटो के अंदर जाता है जहां हर तरफ बस मायूसी और डर का माहौल था। उसी दौरान उसे एक ज्यूस लड़की दिखती है जिसे दो जर्मन जबरदस्ती लेकर जा रहे थे। अब वो अंदर जाकर मैग्नम के हस्बैंड और अपने दोस्त मॉरिस से भी मिलता है और फिर वहां गार्बेज को इकट्ठा करने लगता है। अब इसी बीच उसे एक बूढ़ा ज्यूस भी मिलता है जो कि एक राइटर था और बहुत ही बड़ा आदमी था, उसका बहुत नाम था, लेकिन बस ज्यूस होने की वजह से उसे कैद कर लिया गया है। अब जेन उसे अपनी प्लानिंग के बारे में बताता है और अपने साथ चलने को कहता है, पर वो बूढ़ा आदमी ये कह के मना कर देता है कि यहाँ पे रहने वाले अनाथ बच्चों को मेरे अलावा कोई नहीं है। अब जेन कुछ ज्यूस लोगों को ट्रक में रखता है और गार्बेज से ढक देता है जिससे वो दिखे ना। तभी उसे ज्यूस लड़की भी दिखती है जो सहमी हुई सी थी। जेन उसे भी ट्रक में बैठा लेता है। जब वो गेट पर पहुंचता है तो सभी लोग बहुत डरे हुए थे, खासकर जेन का बेटा, लेकिन जर्मन सैनिक को पता नहीं चलता और ये बाहर निकल जाते हैं। अब घर आके वो उन लोगों को बेसमेंट में छुपा देता है, लेकिन वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि जर्मन ने उसके साथ बहुत बुरा काम किया था। एंटोनियो उसे बात करने की कोशिश करती है, वो बार बार उसका नाम पूछती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप बैठी रहती है। तो एंटोनियो उसे प्रॉमिस करती है कि तुम घबराओ मत, मैं आज रात तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। सुबह हो जाती है और हम देखते हैं जेन उन ज्यूस लोगों को दूसरे शहर गैर कानूनी तरीके से भेज रहा है क्योंकि यहाँ वो ज़्यादा लोगों को नहीं रख सकता। यहाँ में एक और बात पता चलती है कि जेन किसी खास पार्टी के साथ जुड़ा है जो ज्यूस लोगों को नकली पेपर बनाकर उन्हें दूसरे देश भेज रही है, जो कि अब जेन भी कर रहा है। वहीं बेसमेंट में एंटोनियो ने वादा पूरा करा, वो पूरी रात वहीं बैठी रहती है और इसके बाद वो उसे सच बताती है कि तुम अभी इस समय जू में बैठी हो, लेकिन बमबारी के बाद ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई, सारे जानवर मारे गए। इसके बाद वो उसके परिवार के बारे में पूछती है और कहती है कि अगर तुमने उनका नाम और पता बताया तो हम तुम्हें उन तक पहुँचा देंगे, लेकिन वो लड़की इतनी ज़्यादा डरी होती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और जेन एक बार फिर गेटो के अंदर जाता है। यहाँ हालात और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे, ठंड की वजह से लोग मर रहे थे। अब जेन इस बार कुछ औरतों और कुछ बच्चों को लेकर वहाँ से बाहर आता है। इस बार एंटोनियो उन सारों को एक साथ बेसमेंट में रखती है, पर वो उन्हें कुछ चीज़ें बताती है, जैसे वो रात में पियानो बजाए तो वो समझ जाएं कि अब उन्हें बाहर आना है और ख़तरा नहीं है, लेकिन जब वो दिन में पियानो बजाए तो उन्हें समझ जाना है कि बाहर कोई जर्मन है और उन्हें खतरा है। यहाँ उनके घर में एक जर्मन मेड को भी देखते हैं जो उनके घर हर रोज़ आती है, लेकिन उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि नीचे बेसमेंट में ज्यूस छुपे हुए हैं। रात को वो पियानो बजाती है और सारे लोग ऊपर आ जाते हैं, एक साथ बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन वो लड़की अभी भी नीचे ही थी। वह अगले दिन अब उनके घर हैक आता है और उस समय घर पर जेन नहीं था। वो उसे कुछ बातें करता है पिक फार्मिंग से रिलेटेड और फिर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी नीचे से बेसमेंट से कुछ लड़की की खांसने की आवाज़ आती जो उसे सुनाई देती है, पर सही मौके पर एंटोनियो उसे किस कर लेती है ताकि उसका ध्यान भटक जाए और यहाँ पर उसका प्लान कामयाब हो जाता है और वो वहां से चला जाता है और इनकी जान जाते जाते बचती है। अब एंटोनियो एक जर्मन है, अगर वो चाहती तो वो आराम से रह सकती थी, लेकिन उसने लोगों को बचाने का फैसला किया और यही चीज़ उसे अच्छा इंसान बनाती है। अगर हम जेन को देखें तो जो कि एक शॉप के अंदर जाता है जहाँ पे असल में नकली पासपोर्ट बनाया जाता है, वहाँ से वो कुछ औरतों के पेपर बनवाता है और फिर उन्हें दूसरे देश के लिए रवाना कर देता है। अब अगले सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे जेन गेटो से लेकर आया था। वो बहुत ही डरी हुई थी, वो बेसमेंट में दीवारों पर पेंट कर रही होती है। ये देखिए एंटोनियो उसे एक पेट देती है जिसका नाम वो पियोट्रे रखती है, जो कि उसके भाई का नाम था, और यहाँ वो फाइनली खुद का नाम ओस्लो बताती है। तो उसकी आवाज़ सुन के एंटोनियो बहुत ही खुश होती है और उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उसी रात वो पियानो प्ले करती है तो ओस्लो भी ऊपर आती है और सबके साथ बैठकर डिनर करती है। अब नेक्स्ट डे उसके दरवाजे पे कोई आता है तो एंटोनियो फौरन पियानो प्ले करने लगती है जिससे सारे लोग छुप जाते हैं, पर वो डॉक्टर गेलाडो थे जो गेटो से आए थे। वो उसी आदमी के दोस्त थे जिसने अपने इंसेक्ट का कलेक्शन यहाँ छोड़ा था। डॉक्टर जेन से कहते हैं कि मैं गेटो लेबर का हेड हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ से ज्यूस लोगों को बाहर निकालो, इसके लिए मैं तुम्हारी वहाँ पर जॉब भी लगवा सकता हूँ।
जेन मान जाता है और कुछ दिनों बाद वो उनके साथ गेटो जाकर अपने पेपर और आईडी बना लेता है जो कि एक डॉक्टर के प्रोफेशन की थी। उसी आईडी की मदद से वो मॉरिस को भी बहाना बनाकर वहां से बाहर निकाल लेता है। अब घर आने पे मैग्नम जब अपने हस्बैंड को देखती है तो बहुत ही खुश होती है, पर मॉरिस कहता है कि ये जो तुम काम कर रहे हो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर जर्मन्स को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। और इसी बीच एंटोनियो पियानो बजाती है जिसे सुन के सारे लोग ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मॉरिस रोने लगता है कि उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई है। लेकिन यहाँ जेन को एक बात खाए जा रही थी, वो थी एंटोनियो और हैक के बीच की बढ़ती नज़दीकियाँ। वो उन्हें हर रोज़ देखता था और उसे अच्छे से पता था कि हैक उसकी बीवी को पसंद करता है, जिस वजह से उसकी और एंटोनियो के बीच में दूरी होना शुरू हो जाती है। अब एक दिन मॉरिस आके एंटोनियो से गेटो के अंदर की हालात बताता है कि कैसे जंग ने एक दूसरे को हमें दुश्मन बना दिया है, सब कुछ खत्म सा हो चुका है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। वेल सीन शिफ्ट होता है और अब समय चल रहा है 1942 का अगस्त। ये वही समय था जब गैस चैम्बर जैसी दिल दहलाने वाली चीज़ें अपनी चरम सीमा पर थी। यहाँ हम कुछ बच्चों और औरतों और मर्दों को देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ बच्चों औरतों और आदमियों को देखते हैं जिन्हें एक ट्रेन में जानवरों की तरह ठूसा जा रहा था। उनके सामानों को उनसे छीन लिया जाता और उनसे ये झूठ बोला जाता है कि उन्हें एक दूसरी अच्छी जगह पर भेजा जा रहा है, लेकिन सच्चाई हमें और आपको पता है कि इन सभी को मार दिया जाएगा। वहीं ट्रेन के पास जेन भी मौजूद होता है, लेकिन वो इन मासूम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। जब वो घर आता है तो देखता है कि वहाँ पर हैक पहले से ही मौजूद है और वो एंटोनियो के करीब आने की कोशिश कर रहा है, जिसे वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और इस बात को लेकर उन दोनों में रात में बहस भी होती है। पर एंटोनियो कहती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उसकी सारी बातें माननी होगी। दूसरी तरफ हम उन्हीं दो औरतों को देखते हैं जिन्हें जेन ने गेटो से बाहर निकाला था दूसरे देश भेजने के लिए, पर वहां की गवर्नमेंट ने उन्हें ढूंढ लिया, जिसके बाद उन दोनों को सरेआम मार दिया जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह होती है कि उसी दिन हिटलर का बर्थडे होता है, जिसकी खबर सबको रेडियो के जरिए बताई जाती है, जिसमें वो कहता है कि आज के खुशी के मौके पर उसने सारे गेटो को बंद कर दिया है। कुछ देर बाद एंटोनियो जब बाहर आती है तो देखती है कि स्नोफॉल हो रही है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये स्नोफॉल नहीं बल्कि राख है। हिटलर ने सारे गेटो यानी कि सारे कैंप को जला दिया और साथ में उनमें रहने वाले ज्यूस लोगों को भी। तो पूरे कैंप के अंदर डर का माहौल होता है, लोग अपनी जान बचाने के लिए बस भाग रहे हैं। वेलकानी आगे बढ़ती है और एक दिन हैक जब टाउन से गुजर रहा होता है तो उसे जेन उसी दुकान के बाहर दिख जाता है जहाँ पे नकली पेपर बनाए जाते हैं। ये देख के उसे जेन पर कुछ शक होता है तो वो कुछ दिनों बाद उस शॉप पर रेड करता है और उसे वहाँ पर सच पता चल जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो गुस्से में पूरी दुकान को ही जलवा देता है और अगले ही दिन वो जेन के घर जाता है जहाँ पे उसे उनका बेटा मिलता है जो उनसे झूठ बोलता है कि मॉम और डैड दूसरे शहर गए हुए हैं। लेकिन हैक को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो फिर भी दोस्तों वहाँ से चला जाता है, वो उन्हें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो जर्मन थे। सीन शिफ्ट होता और हम एंटोनियो को एक बच्ची को जन्म देते हुए देखते हैं। इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला है, सब कुछ पहले जैसा है। और यहाँ हम जेन को देखते हैं जो कि एक अंडरग्राउंड पार्टी के साथ जुड़ चुका है, वो पोलैंड की रक्षा कर रही है और साथ में ज्यूस लोगों को बचा भी रही है, और उनमें और जर्मन्स में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। इसी तरह से एक दिन लड़ाई के टाइम जेन को गोली लग जाती है, जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एंटोनियो को जाके बताता है कि जेन को लड़ाई करते समय गोली लग चुकी है, उसे जर्मन्स उठाकर ले गए हैं और अब हम उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते। अब ये सुनकर एंटोनियो पूरी तरह से टूट जाती है, जेन के बिना उसे यहाँ कैसे सरवाइव कर पाएगी, उसके ऊपर इतने सारे लोगों की जिम्मेदारियाँ भी है। तो वो हैक की ऑफिस जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे ऑफिशियल वहाँ से भाग रहे हैं, जर्मन यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि अब जर्मन कमज़ोर पड़ने लग गए हैं और उनके अंदर डर है कि कहीं वो मारे ना जाए। वो हैक के रूम में जाती है जहाँ पर उसे जेन के बारे में बताती है और उसे ढूंढने को कहती है। अब वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है लेकिन एंटोनियो उसे ऐसा करने नहीं देती। तब हैक को समझ आ जाता है कि वो उसके साथ गेम खेल रही थी, उसे इतने दिनों से बेवकूफ बना रही थी और उसने उस दिन जो आवाज सुनी थी वो जरूर किसी की थी। तो वो फौरन जू को सर्च करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही एंटोनियो ने सभी लोगों को वहां से पहले ही निकाल दिया था और एक ट्रक में बैठा कर उन्हें कहीं और भेज दिया था, वरना अगर वो यहाँ रहते तो हैक उन सभी को मार डालता। कुछ देर बाद हैक पूरे घर की तलाशी लेने लगता है ज्यूस कहाँ छुपे हैं। वो बेसमेंट में जाता है तो वहाँ उसे ओस्लो की बनाई हुई पेंटिंग दिखती है, जिसे वो सब कंफर्म हो जाता है कि यहाँ ज्यूस को छुपाया गया था। वो बाहर आकर एंटोनियो को बीटी पर बंदूक तान देता और पूछता है कि वो ज्यूस लोग कहाँ हैं, मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन सही मौके पे वहाँ एंटोनियो आ जाती है जो उसे ऐसा करने से मना करती है। तो हैक गुस्से में उसे पिंजरे में बंद कर देता है और फिर उसके बेटे को उसके सामने से ले जाता है और दूर जाकर उसे गोली मार देता है। अब गोली की आवाज़ सुनते ही एंटोनियो पूरी तरह से टूट जाती है,
पहले तो उसने अपने पति को खो दिया और अब उसका बेटा, दोनों को खोकर वो पूरी तरह से टूट चुकी है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हैक ने एयर फायरिंग करी थी और उसका बेटा अभी भी जिंदा था। वो उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। अब सभी लोग वहाँ से जा चुके थे और हिटलर ने पूरा शहर बर्बाद कर दिया था। जेन भी मर चुका है, इसलिए एंटोनियो के पास अब कोई वजह नहीं बची है यहाँ पर रहने की। तो वहाँ के सारे लोग और एंटोनियो भी पॉलिश रिफ्यूजी कैंप में चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि समय की एक बहुत ही अच्छी बात है, वो बदलता ज़रूर है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। साल 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर की मौत के बाद ख़त्म हो गया और जितने भी लोग अपने देश छोड़कर गए थे वो सभी अपने घर वापस आ गए, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है, चाहे वो खंडर ही क्यों ना हो। और यहाँ एंटोनियो भी अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस जू में लौट जाती है, पर वो इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वो अपने घर में जाती है जहाँ उसे वही इंसेक्ट का कलेक्शन मिलता है। वो दीवारों पे बनी हुई पेंटिंग दिखती है जिसे उन्हें वही जंग के दिन याद आ जाते हैं। लेकिन अब वो उस जगह को एक बार फिर से पहले जैसा करने में लग जाती है। कुछ समय के बाद वो ओस्लो, मॉरिस, मैग्नम सभी को बुला लेती है अपने साथ रहने के लिए और ऐसे ही समय बीतने लगता है। वो खुश रहने की कोशिश करती है, लेकिन एक दिन एक चमत्कार होता है। एंटोनियो देखती है कि जेन वापस आ गया है, वो अभी भी जिंदा है। दोस्तों, उसे देखते ही वो गले से लगा लेती है और खूब रोती है। तो सभी लोग जेन को देखकर बहुत खुश होते हैं और अब ये सुकून भरी ज़िंदगी जी पाएंगे। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी के आखिर में बताया जाता है कि वर्सोवा शहर के जू में एंटोनियो और जेन ने तकरीबन 300 जीव्स को छुपाया था और उनकी जान बचाई थी। कुछ लोग तो वहाँ कई सालों तक छुपे रहे थे। हिटलर ने न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी और उनके माँ बाप को उनसे छीन लिया, इसलिए उसे ऐसी दर्दनाक मौत मिली और उसने खुद की जान ले ली। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपको किसी भी इंसान की मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर करिएगा, पीछे मत हटिएगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।